Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। रानी साहिबा, प्रधानमंत्री नरसिंह राव के पास सफीपुर से महाराज का संदेश आया है। कैसे संदेश? महाराज ने तुरंत आदेश दिया है झांसी महल में राजसी विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी जाएं। महाराज ने मणिकर्णिका नाम की एक कन्या से विवाह करने का निर्णय ले लिया। मन्नू दीदी, देखो हमारी इंद्र दीदी कैसी लग रही है। हाँ प्राची, केवल फेरे लग जाने के बाद हमारी इंदु दीदी क्या से क्या हो गई? मनु, शीघ्र ही तुम्हारा भी विवाह होने वाला है, फिर तुम भी हमारी इंदु दीदी जैसी लगोगी। नहीं नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मनु दीदी, कैसे रहोगी? वो लोग तो आपको दासी बना के झांसी में ले जाएंगे। धन्य हो माँ जगदम्बे, आपकी कृपा से हमारी इंदु का विवाह बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ। बस माँ, ऐसी ही कृपा इंदु के परिवार पर और हम पे सदैव बनाए रखना। लीजिए महाराज। नहीं पंडित जी, यह हमसे बड़ी है, इन्हें पहले आरती दीजिए। इसके अतिरिक्त यह हमसे पहले आई है। आप लीजिए ना। नहीं आई सर, कृपा करके आप पहले आरती लीजिए। मां चरणी, हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि संभवतः हमारे इस निर्णय से झांसी का भाग्योदय। महाराज, देवी माँ अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं, परंतु यदि उसी समय कोई वरिष्ठ उपस्थित हो और उनका भी आशीर्वाद मिल जाए तो प्रार्थना शीघ्र स्वीकार हो जाती है। आई साहब, क्षमा कीजिए आई साहब, इस समय हमें आशीष देने के लिए यहां हमारा अपना कोई नहीं है, आप हमारी आई समान हैं। अवश्य हूं। जब आपने स्वीकार कर लिया है तो हमें आशीष दीजिए कि हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है वो पूर्ण हो जाए। आपके अतिरिक्त है कोई मेरा बड़ा? कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अधिकतर समाधान आपसे मिलता है, मेरे लिए आपने अपने वहनी से अधिक मां की भूमिका निभाई है। बाजीराव, अद्भुत संजोग है आज ऐसे ही विनम्र और मृदु भाव एक ऐसे व्यक्ति ने प्रकट की है जिनके बारे में हम सबके विचार अत्यंत घृणास्पद थे। किसकी बात कर रही हैं आप? कौन गिना आपको? गंगाधर राव की। बाजीराव, वो इतने बुरे नहीं है जितना हम उन्हें समझते थे, वो बहुत विनयशील है। बेनी साहब, मैं आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय का आदर करता हूँ, परंतु आपके मुख से उसकी प्रशंसा सुनकर मैं हैरान हूँ। बाजीराव, वो तो ये भी नहीं जानता था कि मेरा संबंध बिठूर महल के राजसी परिवार से है, फिर भी वो मुझे। क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा।
श्रीमान सरकार ने मनु के विवाह के लिए निर्णय लिया है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं समझी नहीं मोरोपन। झांसी नरेश महाराजा गंगाधर राव ने मणिकर्णिका के साथ अपने विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा है। मनु के लिए? यानी तुम्हारी मणिकर्णिका के साथ? जी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। परंतु श्रीमंत सरकार ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। श्रीमंत सरकार ने जीवन के हर मोड़ पर इस हीन दीन को केवल ठोकरें खाने से ही नहीं बचाया, सम्मानित आश्रय दिया है। ऐसी स्थिति में श्रीमंत सरकार के निर्णय के विरुद्ध जाने की तो दूर, सोचने की भी बिसात मुझ में है। मोरोपंत, तुम्हें पिता और सेवक के कर्तव्य में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे तुम? जवाब दो, किसे चुनोगे? मोरोपंत, किसे चुनोगे? मणिकर्णिका श्रीमंत सरकार की पुत्री है, उसके भविष्य का निर्णय वही करेगी। तुमने अपनी इंदु को तो इतनी आसानी से विदा कर दिया, मगर मनु को विदा करने के लिए तैयार नहीं। मैं जानती हूं, झांसी नरेश का प्रस्ताव आया था मनु के लिए। हाँ आया था, लेकिन मैंने सब अपने दिल पर हाथ रखकर दिखे। क्या ये प्रस्ताव स्वीकार करना योग्य था? बाजीराव, पुराने घाव कुरेदने पर नासूर बन जाते हैं, परंतु जब ऐसे प्रस्ताव आते हैं तो वो मरहम का काम करते हैं। मोरोपंत, एक पिता होते हुए भी तुम्हारी आपसी दुश्मनी के लिए अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य को बलि चढ़ाने पर उतारू है, और यदि तुम अपनी बात पे अटल रहे तो याद रखना, मोरोपंत का ये बलिदान तुम्हारे उस पर किए हुए सारे उपकारों पर भारी पड़ जाएगा बाजीराव। अब और मत सोचो बाजीराव, ऐसा सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दो। अब ठीक कह रही है। अगर हमारे चमेली के भाग्य में झांसी लिखा है तो जाएगी। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।